एक हफ्ते तक गुड़ीचा मंदिर में आराम करने के बाद भगवान जगन्नाथ, भगिनी सुभद्रा और बंधु बलभद्र भक्तों और श्रद्धालुओं के हाथों खींचे जाने वाले रथ पर सवार होकर वापस जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। इसके साथ ही इस वर्ष के जगन्नाथ यात्रा का समापन भी हो गया। एक हफ्ते चली जगन्नाथ यात्रा के अंतर्गत अनेक अनुष्ठान और समारोह संपन्न हुए। भगवान जगन्नाथ अपनी भगिनी सुभद्रा और भ्राता बलभद्र के साथ गुरिचा मंदिर में एक सप्ताह का समय व्यतीत कर पुनः जगन्नाथ मंदिर वापस हो गए। ऐसा विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष विश्राम करने के लिए अपनी मौसी माँ के घर आते हैं। गुड़ीचा मंदिर में भक्तों द्वारा की गई पूजा आरती के बाद श्री पी आर पंडा ने रथ के सामने मोर पंख से झाड़ू करते हुए छेरा पहुरा की भूमिका अदा की। भव्य जुलूस के साथ भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा संपन्न हुई। इस जुलूस में उत्कल भारतीय समाज के सदस्यों और श्रद्धालुओं के अलावा भारी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। जगन्नाथ स्वामी की बहुड़ा यात्रा में रथ खींचने के लिए एसीसीएल जमनीपाली और कोरबा से भी बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। लोक नर्तकों की परंपरागत भक्ति संगीत के साथ युवाओं ने भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा में नृत्य करते हुए रथ खींचा। नगर के विभिन्न भागों से होते हुए मुख्य मंदिर तक की यात्रा उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में बालको विस्तार परियोजना के उपाध्यक्ष स्मेल्टर के पद पर कार्यरत श्री एस एम जेना की धर्मपत्नी, ऊर्जा महाप्रबंधक श्री पी के पंडा की धर्मपत्नी भी पूजा अर्चना में शामिल हुई।